जय हिंद दोस्तों। हाल ही में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अगले साल यानी कि एक दिन के बाद टेस्ला मोटर्स इंडिया में एंट्री लेने वाली है। मतलब कमाल का न्यूज है, मिनिस्टर हो तो ऐसा। तो जब भी बात होगी टेस्ला मोटर्स की या स्पेस एक्स की तो दिमाग में एक ही नाम आएगा, वो है एलन मस्क। और ये आज की यंग जनरेशन के लिए बहुत ही बड़े रोल मॉडल है, बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है। इन्होंने साबित कर दिया कि किसी भी बड़े इनोवेशन को करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी के आप कहीं के टॉपर हों या आपके आप बड़ी बड़ी डिग्रियां हों या आप किसी गवर्नमेंट के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हों या आपने किसी गवर्नमेंट कंपटीशन बीट किया हो। आपको किसी भी इनोवेशन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है ज्ञान। और मेरा हर दिन यही एक मोटिव रहता है कि मैं आपके दिमाग में ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया डाल सकूं, कोई भी कॉमेडी के थ्रू या जैसे भी करके आपके दिमाग में एक इनोवेशन डेवलप कर सकूं, नई नई चीज़ें डेवलप कर सकूं। क्योंकि मैंने भी एक सपना देखा है कि मैं मरने से पहले एक बार इंडिया को जापान की तरह हाईली इनोवेटिव हाईली टेक्नोलॉजी वाला देश देखना चाहता हूं। आज के सेशन में ही भी मैं बात करूंगा टेस्ला मोटर्स के बारे में। दोस्तों बात करें टेस्ला मोटर्स की, तो टेस्ला मोटर्स एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है जो कि इलेक्ट्रिसिटी चलती है। मतलब जो अब तक की कारें थी वो या तो पेट्रोल से या तो डीजल चलती थी, ये वाली जो कार है ये इलेक्ट्रिसिटी से रोड पे दौड़ेगी। अब इसमें ये नहीं है कि आप 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी में आपको सॉकेट लगाना पड़ेगा तभी चलेगी। इसमें लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया गया, क्योंकि लिथियम के जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो लिथियम आयन बैटरी की मदद से जैसे कि आपका जो लैपटॉप है या फिर आपका जो मोबाइल है उसमें जो बैटरी उपयोग होती है वो भी लिथियम आयन की बैटरी होती है। तो इसको एक बार चार्ज करना पड़ेगा कार को। एक बार ही कार अगर चार्ज हो जाएगी तो फिर आराम से रोड पर दौड़ेगी, तब तक दौड़ेगी जब तक ये डिस्चार्ज ना हो जाए वापस। एक बार डिस्चार्ज हो गए तो वापस आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर सकते हैं। तो ये थी टेस्ला मोटर्स की वर्किंग। अब ये था आपको फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये जो कार होती है ना बहुत ही बेहतरीन एकदम शानदार होती है, मक्खन से चलती है रोड पर, ठीक है। ये देखिए कितना शानदार कार है, लेकिन जो इसका प्राइसिंग है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये जो प्राइसिंग है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जो अब तक की अफोर्डेबल प्राइस जो इंडिया में आने वाली है ऐसा बताया जा रहा है कि वो 60 से 65 लाख के अराउंड पड़ेगी अगर इंडिया में अगर आती है तो। और जो इसकी कारें हैं वो 1.5 करोड़, 2-2 करोड़, 2-2 करोड़ की मतलब। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इसकी हाई रेंज वाली कारें हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक्टिवेट रहेगा। मतलब कि जैसे कि आपने कोई कमांड दे दिया उस कमांड को वो अपने आप फॉलो कर देगा। जैसे कि आप ऑफिस से घर की तरफ जा रहे हैं और ऑफिस में आपने कमांड दे दिया कि तुरंत गाड़ी गेट पे आ जाओ, गेट पे लेके आ जाओ, तो आपने कमांड दिया तो वो कार्रवाई से देखेगा अच्छा गेट पे आना है, तो अपने आप ही वो कार बिना ड्राइवर के चलाते हुए आपके गेट तक आ जाएगा, गेट पे खड़ा हो जाएगा। इतना मतलब कमाल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें एक्टिवेट किया गया। तो ये कितना सच है ये तो आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहली बात है जब टेस्ला मोटर्स हमारे इंडिया में आएगी तो टेस्ला मोटर्स की सर्विसिंग के लिए सर्विस सेंटर भी बनेंगे, सर्विस सेंटर में काम करने के लिए लोग भी चाहिए होंगे, तो लोग चाहिए होंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज मेन इसमें बहुत ही बड़ा है, ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली है और नेचर फ्रेंडली है। मतलब जितने भी कार से चलते हैं पेट्रोल या डीजल से चलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करते हैं, और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है उतना ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा, और ये हीट आने वाले सालों में ऐसा डेटा की माने तो बताया जा रहा है कि आने से 10 से 15 सालों में ये हीट का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हमारी जो जिंदगी है वो खतरे में आ जाएगी पूरी तरह से। तो हमको इस एमिशन को किसी भी तरह से रोकना है, ख़त्म करना पड़ेगा। तो आने वाला जो टाइम है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रखता है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर हम यूज़ करेंगे ज़्यादा तो हम काफ़ी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोक सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही आने वाले टाइम में इसका ज़माना है, और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में। जाहिर सी बात है पहले मारुति था, अभी महिंद्रा भी आ गया है, टाटा भी आ गया, सब लोग आगे इस रेस में आ गए, और आने वाले टाइम में टेस्ला मोटर्स भी आ गया है। तो टेस्ला मोटर्स भी एक तरह से बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन पैदा कर सकता है। और क्योंकि अभी हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है इसलिए इसकी रेट महंगी है, 66 लाख 70 लाख मतलब इतने का रेंज का आ रहा है। जैसे अगर ये इंडिया में बनना शुरू हो जाएगा तो इंडिया में अगर बनना शुरू हो जाएगा तो जो भी इसके ऊपर टैक्स दुनिया भर के लग रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, और हो सकता है ये हमको 40 से 45 लाख तक में हमको इजीली अवेलेबल हो जाए आने वाले कुछ सालों में, तो ऐसा हम होप करते हैं। तो ये तो था एडवांटेज। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो यही है कि ये जो ऑर्डिनरी पर्सन है, जो मिडिल क्लास पर्सन है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है ये। 66 लाख 70 लाख एक बहुत ज़्यादा बजट है और इसको जल्दी खरीदना मुश्किल है। दूसरी सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि इसके स्टेशंस नहीं है।
जैसे कि हम अगर कार चलाते हैं तो कार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे पेट्रोल का कहीं हम काउंटर मिलता है तो वहाँ पेट्रोल भरवा लेते हैं। अब इसके लिए भी अलग अलग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, चार्जिंग पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। जब तक वो चार्जिंग पॉइंट्स नहीं बनेंगे तब तक हम कार को सही चला पाएंगे। ऐसा तो है नहीं घर से यहाँ से बगल वाले पड़ोसी तक लेके आना है। और इंडिया का तो लोग बहुत टेंशन में होते हैं भाई साहब। इंडिया के लोग पहले जब खरीदते हैं ना कार तो कम से कम 3 से 4 महीने तक तो अपने सारे रिश्तेदारों में ले घूमते हैं कि देखो हम कार खरीदें, देखो हम कार खरीदें। तो करवा ले घूमेंगे हर जगह, गाँव में सबसे पहले जाएंगे। अब गाँव में चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है तो कहाँ से, मतलब कहीं बीचों में रुक गया तो धक्का थोड़ी ना मारेगा उतना महंगा कार को। बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, हर जगह स्टेशन पॉइंट बनाने पड़ेंगे। कोई भी अगर पार्ट्स से खराब होता है तो उसका पार्ट्स और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। पता चले कि दिल्ली में सर्विस सेंटर है और हमने मुंबई चला रहे हैं, मुंबई में कुछ खराब हो गया तो दिल्ली थोड़ी ना भाग भाग के जाएंगे वो सामान लाने के लिए। तो फिर इसका हर जगह सर्विस स्टेशन सब कुछ बनाने पड़ेंगे, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना पड़ेगा तभी टेस्ला मोटर प्रॉपर वर्क कर पाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी एनालिसिस टेस्ला मोटर्स के ऊपर, इसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। आशा करता हूँ कि टेस्ला मोटर जल्दी इंडिया में आए और देखते हैं कि क्या रिस्पांस मिलता है इंडिया में। और आज मैं थोड़ा गला बैठा हुआ है, मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की है वीडियो बनाने की। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।